यार बाकी छोड़े, शिकरे की जो आंखें हैं ना यार, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यार। आप देख सकते हैं फुल रेड आईज हैं यार शिकरे की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैर खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, परिंदों की जान आ चुके हैं। सारे परिंदे जो हैं ना अभी तक बंद पड़े हैं, और अभी जो है ना दोस्तों, फिलहाल जो है ना, मैंने रानी राजा के साथ जो है ना इस शिकरे को भी बिठा दिया है। ठीक है, इन सबको मैंने फीड तो दे दी थी, ठीक है, इसको भी मैंने गोश्त दे दिया था। और रानी राजा को जो है ना, ये आप राजा देख सकते हैं, राजा ऊपर चढ़ा हुआ है, इस तरह हाथ पे आ रहा है यार। देखें राजा, आपका ये जो टेल है आपकी ख़राब हो जाएगी, इधर हो जाओ। दोस्तों आप देख सकते हैं कबूतर भी अंदर बैठे हैं, और उसके अलावा जो है शिकरा भी हमारा पास ही बैठा है। और रानी के हाल चेक करें, ये सर पे किस तरह बाल कर रही है और सर किस तरह हिला रही है, ये देखें। क्या है यार। अच्छा राजा आप आ जाओ, आ जाओ। दोस्तों राजा को जो है ना शिकरे के उस साइड पे बिठाते हैं, चेक करते हैं ये यार लड़ते तो नहीं है ये। हम इसको राजा, ना डरो नहीं यार, कुछ नहीं कहता, मैं बैठा हूँ ना, कुछ नहीं करने देता हूँ, आ जाओ इधर। दोस्तों राजा, राजा ने भी मुंह खोला है, क्या कर रही हो रानी? दोस्तों बैठे तो अभी आराम से हैं फिलहाल, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूँ, इधर आ जाओ रानी। रानी ना करो ये देखिए दोस्तों, शिकरा जो है ना चोंच मार रहा है यार इनको। ठीक है, अगर वो कुछ ना कहे ना इसको तो फिर कुछ भी नहीं कहता। ये देखें यार, बाकी छोड़े, शिकरे की जो आंखें हैं ना यार, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार। आप देख सकते हैं फुल रेड आईज हैं यार शिकरे की। और ये जो है राजा की, आप देख सकते हैं बीच से ब्लैक हैं और साइड से जो है ना वाइट है। पता नहीं इसको क्या मौत पड़ी हुई है यार। ये देखें, इसने सर से जो है ना सारे पर खड़े किए हुए हैं, और आँखों का कलर किस तरह कर रही है आप ये भी देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है ना मेरे पैर जो है ना बंद पड़े हैं, इनको मैंने बंद इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि घास की जो है ना हमने बिजाई कर दी है। ठीक है, तो ये जो है ना यार उसको निकाल निकाल के ना फिर खा जाएंगे, तो इस वजह से जो है ना दोस्तों इनको मैंने अभी तक बंद रखा हुआ है। इनको आज नहीं खोलेंगे, ठीक है, इनको कल ही खोलेंगे। तो उसके अलावा दोस्तों ये जो तैयार है ना अंडों वाला बड़ा, ठीक है, इनको मैंने बंद किया हुआ है। तो आज यार मैं सोच रहा हूँ कि वो अंडे जहाँ से मैंने उठाए थे ना, चार उठाए थे, बाकी तो टूटे हुए थे, चार मैंने उठा लिए थे बारिश वाली रात ना, तो मेरा दिल करता है कि उन अंडों को जो है ना इधर रख देते हैं। तो मैं जाता हूँ अंडे लेके आता हूँ और फिर यहाँ पे रख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ना अंडे मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ये समझ रहे हैं कि दाने लेके आ गए, दाने नहीं है यार आप लोगों के लिए। देखें यार ये मेरे ख्याल में भूखे हैं, इनको ना फीड देंगे, दाने वगैरह इनको भी देंगे, ये आ गए दाने समझे। तो पहले दोस्तों ये अंडे रख देते हैं यार, ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। ठीक है, तो आराम से जो है ना इसको हम यहाँ पे रखेंगे। यार आप लोग क्यों भाग रहे हो? और कोई अंडे वगैरह नहीं पड़े हैं, ठीक है, तो इसको जो है हम उठा लेंगे। यार इनके हाल करते हैं। दोस्तों फिलहाल जो है ना मैंने ये गंद वगैरह जो पड़ा था ये तो निकाल दिया है, अभी आराम से जो है ना हम ये भूसा डाल देंगे, उसके अलावा जो है ना हम अंडे रख देंगे आराम से। डक्स तो बाहर भाग गई है दोस्तों, ये अंडे जो है ना हम यहाँ रख देते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अंडों को मैंने जो है ना खुश्क जगह पे रख दिया, ये यार बारिश की वजह से जो है ना गीले हो गए थे,
तो ये कचरा जो है मैंने निकाल लिया है और अंडे जो है ना यहाँ पे रख दिए हैं। अभी डक्स को भी बंद कर देंगे यहाँ पे ताकि उनको पता चल जाए कि हमारे अंडे जो है ना आ गए हैं। अच्छे जो है इसको बाहर रखेंगे। यार ये यहाँ से नहीं जा रहा तो इसको जो है ना इधर से हम रखेंगे बाहर। तो आप देख सकते हैं कि डक्स के अंडे रखने के चक्कर में जो है ना यार आप देख सकते हैं वो मेरे तीनों के तीनों जो है ना बजरी पैरट जो है ना निकल गए हैं यार, भाग गए हैं। तो अभी चलेंगे उनको देखेंगे, चेक करेंगे कहीं मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह वारिस है। यार ये बच्चा अंदर चला, चलो बाहर भागो यार, अंडों को चोंच मार दोगे। चलो दोस्तों इसको फिलहाल हम बंद करते हैं, डक्स को भी ढूंढते हैं ठीक है, और उसके अलावा जो है ना बजरी पैरट जो है ना उनको भी ढूंढते हैं। यहाँ जो है ना मेरे एक बजरी पैरट यहाँ पे आया हुआ है, जूम करके देखते हैं। ये देखें ये सामने बैठा है ठीक है, ये आपको मैं इधर से दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है ना ये वाला बैठा है ऊपर ना। चलो यार इसको जो है ना हम इसकी लाइफ जीने देते हैं ठीक है। तो अभी जो है हम दूसरे पेट्स की तरफ चलते हैं, बस इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं यार। दोस्तों अभी जो है उनको मैंने उनके हाल पे छोड़ दिया है ठीक है, उनको जाने दें, उनकी लाइफ है ठीक है। तो यार वैसे भी उनसे मेरा थोड़ा मन उठा हुआ था क्योंकि यार ये जो है ना बहुत बेवफा परिंदा है ठीक है, इसमें वफा बिल्कुल है नहीं। अब साल इनको रखो, दो साल रखो ठीक है, फिर भी चले जाते हैं, तो इसमें वफा तो बिल्कुल है नहीं। अभी जो है दोस्तों हम ये मोरों को निकाल देते हैं ठीक है। तो चलो यार ये घूम फिर लेंगे। तो अभी मैंने सोचा यार छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो रखनी नहीं है, अभी टर्की बर्ड से इंशाल्लाह ले आएंगे। तो बाकी जो है ये जो केज है ना इंशाल्लाह ये मैं अब देखता हूँ, अगर डक्स नहीं लड़ती है ना वो शिकरे के साथ तो अभी ये केज जो है हम शिकरे को दे देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।